दोस्तों म्यूजिक दुनिया भर में एक ऐसी भाषा है जो पूरे ब्रह्मांड में हर किसी को समझ आती है और इंडियन म्यूजिक को तो दुनिया भर में लोग इतने करीब से जानते हैं कि हमारी हिंदी और पंजाबी म्यूजिक को सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बेहद पसंद किया जाता है। इसलिए आज हम बॉलीवुड और पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्रीज के एक ऐसे सिंगर की लाइफ स्टाइल के बारे में बताने वाले हैं जो इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्रीज के राइजिंग स्टार माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं युवा दिलों की धड़कन पॉपुलर सिंगर मिलिंद गाबा के बारे में, जो एक कामयाब म्यूजिक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और बेहतरीन सिंगर ही नहीं आज यूथ जनरेशन के रोल मॉडल भी हैं, जिन्होंने 18 साल की बहुत छोटी उम्र से ही अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर म्यूजिक करियर स्टार्ट कर लाइमलाइट में आए। आज हम मिलिंद के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो शायद आपको नहीं पता है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मगर उससे पहले वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात कर लेते हैं मिलिंद गाबा की अर्ली लाइफ के बारे में। तो दिल्ली से बिलोंग करने वाले 2021 में 31 वर्षीय मिलिंद का जन्म 7 दिसंबर 1990 को पंजाबी म्यूजिक डायरेक्टर जतिंदर गाबा एवं संगीता गाबा के घर दिल्ली के एक अपर मिडिल क्लास पंजाबी फैमिली में हुआ था। मिलिंद के पिता जतिंदर को म्यूजिक का बेहद शौक और पेशा होने की वजह से मिलिंद बचपन से ही उनके साथ शौकिया सिंगिंग करते थे और कहा जाता है कि मिलिंद को म्यूजिक का टैलेंट उनके पिता से ही मिला। साथ ही आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मिलिंद का पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होने की वजह से उन्होंने स्कूलिंग से ही म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया था। दोस्तों लाइफ में सफलता हासिल करने के लिए अपने पैशन, इंटरेस्ट और रुचि को पहचानना बेहद जरूरी होता है और जो व्यक्ति वक्त से पहले अपने पैशन को पहचान लेता है फिर उसको कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और मिलिंद भी एक ऐसे सिंगर है जिन्होंने बचपन में ही समझ आ गया था कि म्यूजिक ही उनका पैशन है और उन्हें बड़े होकर एक कामयाब सिंगर बनना है। इसलिए मिलिंद ने अपनी स्कूलिंग वेदव्यास डीएवी पब्लिक स्कूल दिल्ली के दौरान अपना इंटरेस्ट पढ़ाई पर कम बल्कि कैसियो और पियानो बजाने पर ज्यादा रखते थे। मिलिंद नुसरत फतेह अली खान से इंस्पायर्ड अपने म्यूजिक को लेकर बहुत पैशनेट रहे और इंडियन प्रोफेशनल म्यूजिक सीखा, जो आज बॉलीवुड और पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्रीज के पेशेवर सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एवं सॉन्ग्स राइटर हैं, जिन्हें आप बतौर कंटेस्टेंट बिग बॉस ओटीटी में भी परफॉर्म करते देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मिलिंद गाबा के करियर के बारे में। तो मिलिंद इस बात को जानते थे कि उनका सिंगर बनने का सपना सिर्फ मुंबई जाकर ही पूरा हो सकता है, इसलिए स्कूलिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद 18 साल की बहुत छोटी उम्र से ही उन्होंने सिंगिंग करियर स्टार्ट कर पंजाबी और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्रीज में अपने लिए सिंगिंग के अवसर तलाश कर वेलकम बैक, साडी दिल्ली और माला माल जैसे एक के बाद एक हिट गाने गाए, जिन्हें ऑडियंस द्वारा बेहद पसंद किया गया। साथ ही साथ लोगों को पता चल चुका था कि फिल्म इंडस्ट्रीज में मिलिंद नाम का सिंगर भी मौजूद है। मगर मिलिंद ने जब नजर लग जाएगी मैं तेरा हो गया, जिंदगी दी पौड़ी और पीले पीले जैसे सॉन्ग्स गाने के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, जो उनके करियर के सुपरहिट सॉन्ग्स में से एक बन गए। मिलिंद ने अपने करियर में कई सुपरहिट गाने गाए जिनमें से ब्यूटीफुल, नाचूंगा, ऐसे क्या करूं, दिल्ली सैर और यार मोड़ दो जैसे गाने देश और विदेशों में लोगों द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किए गए, जिसके बाद मिलिंद एक वर्ल्ड क्लास सिंगर बन गए। दोस्तों आपको मिलिंद का कौन सा सॉन्ग सबसे ज्यादा पसंद है वो हमें कमेंट्स करके अवश्य बताएं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मिलिंद की पर्सनल लाइफ और फैमिली के बारे में। तो मिलिंद के पिता का नाम है जतिंदर गाबा जबकि माँ का नाम है संगीता गाबा एवं मिलिंद की बहन का नाम है पल्लवी गाबा व मिलिंद के भाई का नाम है राजा गाबा। अब मिलिंद की पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो मिलिंद की गर्लफ्रेंड का नाम है प्रिया बेनीवाल, जो हर्ष बेनीवाल की सिस्टर है। माना जा रहा है दोनों बहुत जल्द शादी भी करने वाले हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मिलिंद की इनकम और नेटवर्थ के बारे में। तो मिलिंद ब्रांड एंडोर्समेंट के अलावा एक सॉन्ग्स में काम करने के 10 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। मिलिंद किसी भी लाइव कंसर्ट में काम करने के लिए 15 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं एवं किसी भी शो में काम करने के लिए वह एक दिन में 5 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। दोस्तों मिलिंद की नेटवर्थ के बारे में बात की जाए तो 2021 में मिलिंद की नेटवर्थ 20 करोड़ रुपए है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मिलिंद के घर और कार कलेक्शन के बारे में। तो मिलिंद अपने पेरेंट्स के साथ दिल्ली में एक शानदार बंगले में रहते हैं जिसकी एस्टिमेट कॉस्ट 5 करोड़ रुपए है, जिन्हें लग्जरी कार रखने का बेहद शौक है। मिलिंद के पास एक टॉप मॉडल मर्सिडीज जीएस क्लास कार है जिसकी कीमत 80 लाख रुपए एवं उनके पास रेंज रोवर भी है जिसकी कॉस्ट 70 लाख रुपए व मिलिंद के पास उनकी ड्रीम कार पोर्श कायन है जिसकी कॉस्ट 1 करोड़ 40 लाख रुपए है। इसके अलावा बाइक राइडिंग के शौकीन मिलिंद के पास हार्ले डेविडसन बाइक है जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है। तो फ्रेंड दैट्स एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आप मिलिंद गाबा के फैन
है तो इस वीडियो को कर दो लाइक और साथ ही साथ कर दो अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमें कमेंट्स करके बताओ नेक्स्ट वीडियो आप किस स्लैब्स पर देखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।